तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका विशाल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक रिचार्जेबल स्ट्रिंग शूटर, इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल कर देना सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट और दिखाते बना के आज की इस वीडियो स्ट्रिंग शूटर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने ले लिए पीवीसी की पाइप और दो हमको पहिया लेना होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के हमको मार्कर से लगाना होगा। आपका ध्यान रहना चाहिए, एक लगभग यहाँ पे कुछ इस तरह से छोड़ देना है बीच में। चलिए फटाफट से मार्कर लगा देते हैं। तो देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे मार्कर से लगा रहे हैं, आपको भी कुछ वैसा ही मार्कर से यहाँ पर लगा लेना होगा। आप भी बढ़िया से यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो देख सकते हैं हमको यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे कट यहाँ तक करना होगा। चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ से कटर ले लिए और यहाँ से कुछ इस तरह से हमको काट देना होगा। आप भी बढ़िया से काट लीजिएगा। तो देख सकते हैं फिर इसकी काफ़ी बढ़िया सी है, कट चुकी है। उसके बाद हमको यहाँ पे और एक यहाँ पे होल करना होगा। चलिए फटाफट से होल करते हैं। तो उसके लिए आपको हल्का सा ग्रीस या वाल लेना होगा और इस दोनों नोक पे हल्का हल्का लगा देना कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे बढ़िया से रख के और इसको यहाँ पे बढ़िया से आपको रख देना होगा ताकि सेंटर में हमारा लग जाए। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से इसमें लग चुकी है। तो यहाँ पे हमको दो होल करना होगा। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे होल कर रहे हैं, आपको भी कुछ वैसा ही होल कर लेना होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी बढ़िया से हम इसमें होल कर चुके हैं। उसके बाद हमारी जो मोटर थी कुछ इस तरह से हमको लगा के फेविक्विक के द्वारा चिपका देना है। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से हम इसको चिपका चुके हैं। उसके बाद तो देख सकते हैं फिर इसकी काफ़ी बढ़िया से ये चिपक चुकी है, आप बढ़िया से देख सकते हैं। उसके बाद तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे दो वायर कट कर ली है। इस दोनों को हमको कुछ इस तरह से इसमें सोल्डिंग करना होगा। चलिए फटाफट से सोल्डिंग कर देते हैं। तो देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर सोल्डिंग कर रहे हैं, आपको भी कुछ वैसा ही सोल्डिंग कर देना होगा। बढ़िया से आप भी सोल्डिंग कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से सोल्डिंग कर देते हैं। तो देख सकते हैं इसकी काफी बढ़िया से सोल्डिंग हो चुकी है। उसके बाद तो लेना होगा एक लिथियम आयन बैटरी, उसके बाद उसको चार्ज करने के लिए एक किट। तो चलिए फटाफट से वायरिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें वायरिंग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा हुआ है, आप बढ़िया से देख सकते हैं। तो हमको करना होगा क्या कि ये जो हमारी माइनस है, हमको ये माइनस में सोल्डिंग करना होगा, ये दो गो भीतर है, और ये प्लस है, हमको प्लस में जोड़ना होगा। चलिए फटाफट से करते हैं वायरिंग। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हम यहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं, आपको भी कुछ वैसे ही वायरिंग कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सोल्डिंग कर देना होगा, देख सकते हैं। उसके बाद हमको माइनस में करना होगा। तो माइनस के लिए हमने एक छोटा सा वायर ले रखी है, देख सकते हैं। इसको कुछ हमको इस तरह से वहाँ पे वायरिंग कर देना है। चलिए कर देते हैं सर। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ये वायरिंग हो चुकी है। उसके बाद हमको कुछ इस तरह से इसमें सोल्डिंग करना होगा। चलिए फटाफट से कर देते हैं। देख सकते हैं फिर से काफ़ी बढ़िया सोल्डिंग हो चुकी है। उसके बाद ये हमारी जो एक और वायर थी, इसको हमको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग करना होगा। चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे सोल्डिंग कर रहे हैं, आपको वैसा ही सोल्डिंग कर देना होगा यहाँ पे भी। तो काफ़ी बढ़िया सोल्डिंग हो चुकी है। उसके बाद हमको तो देख सकते हैं हम एक और छोटा सा वायर ले ली है, इसको हमको कुछ इस तरह से इसमें लगा के और इसमें चिपकाना होगा। चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक वायर लगा दी है, इसको हमको इसमें सोल्डिंग कर देना है। तो सोल्डिंग तो हो गई है,
अब हमको बैटरी में करना होता है, ये हमारी प्लस है मतलब पॉजिटिव है, इसमें डायरेक्ट हमको सोल्डरिंग कर देना है। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सोल्डरिंग हो चुकी है। उसके बाद हमको यहाँ पे इसको चिपका देना हो कुछ इस तरह से, और इसको इस तरह से चलिए फटाफट से चिपका देते हैं। चलिए फिर इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से चिपका देते हैं। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे चिपका रहा आपको वैसा ही चिपका देना होगा। उसके बाद तो देख सकते हैं फिर से काफ़ी बढ़िया सी ये चिपक चुकी है। उसके बाद हमको लेना होगा एक स्विच जो कि हमको कुछ इस तरह से इस पर चिपकाना होगा। चलिए फटाफट से चिपका देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम ले लिए फेविकिट, और फेविकिट के द्वारा यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से चिपका देना होगा। और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ये चिपक चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमको एक यहाँ पे छेद करना होगा जिसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमको कुछ इस तरह से हल्का सा कट कर देना होगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर हमको सोल्डरिंग कर देना है। तो हमको डायरेक्ट बैटरी से ही निकालना है क्योंकि हमको दो मोटर डायरेक्ट चलाना है, तो हम किट में से नहीं काट सकते, इसलिए चलिए फ्रेंड्स निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमको यहाँ से एक वायर निकाल के डायरेक्ट इसमें हमको सोल्डरिंग करना होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कुछ यहाँ पर हमको एक सोल्डरिंग वायर करना होगा, तो काफ़ी बढ़िया से आप भी सोल्डरिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हमको एक वहाँ यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना होगा कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सोल्डरिंग, वायरिंग तो सब कुछ की हो गई है। उसके बाद चलिए टेस्ट करते हैं चला के। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ये स्पीड चल रहा है। उसके बाद आपको एक अलमुनिया का वायर लेना होगा, और कोई प्लास की मदद से कुछ इस तरह से मोड़ मोड़ के आपको एक स्प्रिंग टाइप के बना लेना होगा। चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। तो देख सकते हैं स्प्रिंग कुछ इस तरह से बनाई है कि हमने पहले इसको हल्का हल्का मोड़ दिया चारों तरफ से, उसके बाद आगे से यहाँ से हल्का बैंड किए हैं, उसके बाद यहाँ से ले जाकर हल्का से इसको हम नीचे की तरफ बैंड किए हैं कि इसमें। और देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक और सी पीवीसी पाइप लगा दी ताकि हमारा जो स्प्रिंग है इस पर आराम से हम चिपका सके कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। तो चलिए फेविकिट के द्वारा काफ़ी बढ़िया से इसको चिपका देते हैं। तो आपको भी कुछ इस तरह से फेविकिट लगा के बढ़िया से चिपका देना होगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे आपको फेविकिट डाल देना होगा। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ये चिपक चुकी है। उसके बाद तो देख सकते हैं हमको कुछ धागा लेना होगा कुछ इस तरह से, आप जाके किसी भी परचून दुकान से ये ले सकते हैं, आपको बिल्कुल सस्ता मिल जाएगी। उसके बाद हमको कुछ इस तरह से इसमें घुसा देना होगा बढ़िया से, आप भी घुसा दीजिएगा इसमें बढ़िया से, देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे छोर ले लिए दोनों वायर को कुछ इस तरह से हमको रख के, और उसके बाद एक पतला सा वायर लेना होगा कुछ इस तरह से, इसमें हल्का हल्का आपको मोड़ देना होगा, देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे मोड़ रहे हैं आपको भी वैसा ही मोड़ देना होगा। मोड़ने के बाद तो देख सकते हैं फिर से काफ़ी बढ़िया से हम इसको सब कुछ चिपका चुके हैं। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं इसको चार्ज करके कि हमारी जो चार्ज है या नहीं है, चार्ज हो रही है या नहीं। तो देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे चार्ज में लगाएंगे तो हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करने लगी रेड कलर के, तो हमारी जो स्ट्रिंग शूटर है वो काफ़ी बढ़िया से चार्ज हो रही है। अगर ये फुल हो जाती है तो यहाँ से ब्लू कलर का एलईडी ग्लो करने लगेगी। अगर आप चाहते हैं तो इस पर एक कवर भी लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लगेगा, हम आपको ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। तो चलिए इसको लेके हम चेक करते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग शूटर है वो काम कर रही है या नहीं। चलिए तो चलिए इसे पहले हम सीधा कर लेते हैं। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सी ये वर्क कर रहा है, चल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले धन्यवाद लभी दोस्तों।